हाय फ्रेंड, आज आपका हमारे इस नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मर्सिडीज़ 350 का एयर सॉकअप है। इसका हाइट में प्रॉब्लम आ रहा था, गाड़ी ऑटोमेटिक डाउन हो गया था, जिसके लिए हमने ये सॉकअप बाहर निकाला है। ये इसका हम ये बलून चेंज करेंगे। ये बलून में प्रॉब्लम है, तो आपको हम बताएंगे कि ये बलून किस तरह चेंज किया जाता है। इसके बारे में हम आपको पूरा फुल टेक्निक देंगे। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि पहले ये जो लॉक है, इसे हम पतले नोकीले किसी भी चीज़ से इस लॉक को पहले ओपन करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये लॉक है। इसके बाद से इस कैप को किसी स्क्रू ड्राइवर के थ्रू दोबारा हम इसे बाहर निकालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसे निकाल रहे हैं। हाँ, चालू देख सकते हैं सर। देखिए फ्रेंड, ये आपका एक कैप है। पहले ये पार्ट को आप ओपन करेंगे। इसके बाद देख सकते हैं, इसके अंदर एक 17 का नट दिया गया है और इसमें 5 नंबर का एक एलंकी लगेगा, जिस एलंकी के सपोर्ट द्वारा हम इस नट को लूज करेंगे। अंसारी जी, लगाइए बॉक्स पाना। ये देख सकते हैं, हम 5 का एलंकी लगा रहे हैं। इसे ओपन कीजिए। देखिए, इस तरह इसे ओपन कीजिएगा। आप देख सकते हैं, इसे ओपन करने के लिए हमने 17 का बॉक्स पाना है, जिसे हमने दोनों साइड से ग्राइंडर करके इसे फिक्स पाना बैठने के लिए ग्राइंडर किया गया है। ये आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं, हम नट लूज कर रहे हैं। इसके अंदर 17 का नट आता है। ये देख सकते हैं, 17 का नट हमने ओपन कर दिया। अब इस बलून को धीरे से नीचे से ऊपर उठाइए। ये देखिए, आपका बलून पूरी तरह से ऊपर बाहर आ गया है। अब आप इसे सॉकअप जो है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं ओपन करके। हमें ये बलून चेंज करना है। ये देख सकते हैं, नीचे इसके नीचे एक रिंग भी आता है। ये रिंग इसलिए दिया जाता है कि यहाँ से हवा लीक ना हो। जब ये बलून आप डालते हैं, तो ये रिंग द्वारा वो पूरी तरह से प्रॉपर पैक हो जाता है। इसके नीचे एक वाइशर भी है, देख सकते हैं आप, आपके सामने है। ये सॉकअप जरा चेक कीजिए, आप देख सकते हैं। देखिए, सॉकअप भी गया है। ठीक है, तो सर फ्रेंड, अब हम आपको दिखाएंगे इसमें नया बलून डाल के इसे किस तरह फिर से फिट किया जाता है। अगर आपको चेंज करना रहेगा कभी भी, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। अब हम आपको फिर से बताते हैं इसे फिटिंग कैसे किया जाता है। इसमें थोड़ा ग्रीस लगाइए। जरा सर, क्या होता है फ्रेंड, बहुत से लोग इस सॉकअप को असेंबली चेंज कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम इसे कभी भी असेंबली चेंज नहीं करते, क्योंकि इसमें ज़्यादा करके बलून में प्रॉब्लम आता है, सॉकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इसके लिए हम बलून चेंज करेंगे, क्योंकि सॉकअप इसका 1,20,000 कुछ का है और ये बलून 20,000 का है। तो इसके लिए हम इस बलून को चेंज कर रहे हैं कि ताकि कस्टमर का कुछ खर्चा बच जाए। तो इसके लिए आपको दिखा रहे हैं, चलिए इस बलून को डालिए। हाय फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने नया बलून मंगाया है और ये इसका जूना बलून है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा नया बलून है। अब हम इसे सॉकअप में असेंबली करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह असेंबली किया जाता है। अच्छा जी, चलिए फिट कीजिए। आराम से आप इस नट को टाइट कीजिए।
सोफों का सेक्शन है, आप देख सकते हैं फ्रेंड, हम इस बलून को असेंबली कर रहे हैं। आप लोग भी इस बलून को फिट कर सकते हैं, ये बलून को फिट करने में कोई बड़ी बात नहीं है। लोग क्या होता है, घबराते हैं कि बलून किस तरह ओपन होएगा, क्या होएगा, अंदर क्या है क्या नहीं है, इसीलिए आपको हमने पूरी तरह से प्रॉपर बता दिया गया है। इसके अंदर कुछ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसे बिंदा से एक लॉक निकाल कर, कैप निकाल कर, अंदर का नट लूज करके बलून को बाहर ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, हम आपको फिटिंग करने का भी तरीका बता रहे हैं। अब इस कैप को थोड़ा रिंग लगा के, ऑयल लगा के डालिए। और आप इसे फिट करते समय इस रिंग पे ज़रा एक बार ध्यान दे दीजिएगा कि कहीं से कुछ क्रैक या कटा हो पीटा ना हो, नहीं तो आपका यहाँ से एयर, हेलो, हाँ सर, यहाँ से एयर लीक हो सकता है। आप देख सकते हैं, अब इसे हम फिट करेंगे। एक बॉक्स बना लीजिए, बीच में रख के थोड़ा ठोकिए हल्के हाथों से। ऑटो की लॉक का खाँचा आना चाहिए जिसमें हमको लॉक बिठाना है। बस बस बस, देख सकते हैं फ्रेंड, ये आपको लॉक का जगह हम दिखा रहे हैं। एक टोचा दीजिए, थोड़ा क्रॉस कीजिए, देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा प्रॉपर लॉक का जगह आ चुका है। अब हम इसमें लॉक फिट करेंगे। लॉक बिठाइए, माइनस का स्क्रू डाल लीजिए। हाय फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस लॉक को प्रॉपर तरीके से बिठा दिया है। और एक फ्रेंड, आपको अगर कभी भी डाउट रहे कि जैसे कि आपने बलून डाल दिया है और ये आपका बलून ऊपर है, इसमें गैप है, तो आप इससे कभी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप जैसे गाड़ी में फिट करेंगे, ये आपका एयर सॉकअप का सेंसर है, आप देख सकते हैं सॉकेट है, जब आप इसे गाड़ी में प्रॉपर फिट करेंगे और गाड़ी चालू करेंगे तो ऑटोमेटिक ये बलून नीचे आएगा, इसमें जैसा हवा भरते जाएगा ये ऑटोमेटिक आपका ये जो रिंग का गैप है ऑटोमेटिक पैक हो जाएगा। तो इसके लिए आप कभी घबराइएगा नहीं, जैसे कि आपने समझा कि बलून डाल दिया और आपको इसमें गैप दिख रहा है तो बैठेगा नहीं बैठेगा, डाउन करते समय रिंग कटेगा या कुछ होएगा, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बिंदास इसे फिट करके गाड़ी में फिट कीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये हम बलून चेंज कर दिया गया है, हमारा फुटबॉल प्रॉपर तरीके से ये बलून फिट हो गया है। अब इसे हम गाड़ी में फिट करेंगे बिना किसी तकलीफ के। ये देख सकते हैं, ये जो आपको होल दिखाई दे रहा है ये एयर का लाइन है, इसमें हम पाइप फिट करेंगे, पाइप द्वारा इसमें से एयर भरेगा और यहाँ से बलून को फिट होएगा। ठीक है फ्रेंड, तो जैसा कि आपको हमने इसको ओपन करने का और फिटिंग करने का पूरा तरीका बता दिया गया है, तो आप इसे बिंदास बिना किसी टेंशन के ओपन और फिटिंग कर सकते हैं। ये अभी हमारा जूना बलून है। ठीक है फ्रेंड, आपको हमने जूना नया दोनों दिखा दिया गया है और ओपन फिटिंग करने का तरीका भी बता दिया गया है। ये बलून में क्या प्रॉब्लम था, यहाँ से एयर लीक होता था, इसके लिए हमने नया बलून चेंज किया है। ओके फ्रेंड, ये मर्सिडीज़ 350 4Matic का है, इसके लिए आप बिना किसी भी टेंशन द्वारा आप इसे आप लोग भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।